इग्नू पीजीडीटी का प्रोजेक्ट लेकर के बहुत लोगों के मन में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं। भ्रांतियां वह है कि हम किस विषय में बनाएंगे, किस पुस्तक का अनुवाद करेंगे। इग्नू के वेबसाइट से ही यह लिया गया है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है बाईं ओर, यहाँ प्रशासन लिखा हुआ है, अर्थात प्रशासन संबंधित चीज़ें, कार्यालयी, संसदीय, साहित्य आयोग, समितियाँ, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ, इन पर आप अनुवाद कर सकते हैं। उसके बाद विज्ञान का है, विज्ञान में भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, चिकित्सा में आयुर्वेद, यूनान, एलोपैथी, होम्योपैथी, कुछ भी ले सकते हैं। गणित, सांख्यिकी, सामाजिक विज्ञान है, फिर साहित्य एवं मानविकी है, फिर व्यावसायिकी है और मीडिया है, वाणिज्यिक, बैंकिंग, इस तरह की चीज़ आपको इग्नो के प्रोजेक्ट वाले पेज में मिल जाएगा, वहाँ से ले करके, और फिर उसके अनुसार आप प्रोजेक्ट बनाए। प्रोजेक्ट का मतलब परियोजना कार्य पहले अनुमोदन के लिए भेजना है, तो उसे इन विषयों से ही आपको बनाना है, ध्यान रहे अलग विषय से नहीं। तो आपके जो परियोजना MTT 06 है उसमें से आप यह विवरण ले लेंगे। इसके बाद काफ़ी लोगों को संशय है, लिफाफे में लोगों को पता लिखने नहीं आता है। मैं एक लिफाफे पर पता लिखा हुआ आपके साथ साझा कर रहा हूँ, लिफाफे को इस तरह से लिखना, आइए देखते हैं उसको। अब यह देखिए, आपके स्क्रीन पर यह लिखा हुआ आ रहा है, यह लिफाफा है। ऊपर देखिए रजिस्टर्ड पोस्ट लिखा है, फिर नीचे PGDT परियोजना कार्य प्रस्ताव, PGDT परियोजना कार्य प्रस्ताव। पहले आपको लिफाफे में सबसे ऊपर सेंटर में लिखना है। ये देखिए, यह एक इन्वेलप है और जिस पर हमने लिखा है, ये इसके अंदर कपड़ा लगा हुआ है। फिर लिफाफे के आधे से करेंगे ना, आधे के बाद दाहिने तरफ थोड़ा नीचे, क्योंकि यह जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ आपको टिकट लगाना है, तो यहाँ 2 लिखा हुआ है। चूँकि यह पश्चिम बंगाल से भेजा गया इसलिए हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिख दिया गया। अगर आप हिंदी भाषी राज्य से हैं तो हिंदी में लिख सकते हैं। 2 कार्यक्रम समन्वयक प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर PGDT कार्यक्रम अनुवाद अध्ययन एवं प्रशिक्षण विद्यापीठ ब्लॉक 15C या जो भी है देख लीजिएगा, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, मैदान गढ़ी, न्यू दिल्ली 6811068। इसके बाद इसमें नीचे की ओर देखिए, फ्रॉम, एक किसी का मैंने नाम लिख दिया है, आप उसके नीचे नाम के नीचे अपना इनरोलमेंट नंबर, और इनरोलमेंट नंबर के नीचे फिर आपके घर का पूरा पता, ताकि अगर डाक से वापस आए तो ऐसे आ सके। आपको यह ध्यान रखना है, आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है उसके लिफाफे पर यह विवरण रहेगा। और अब तक अगर आप लोगों ने शुरू नहीं किया है तो एक दो दिन में तय कर लें, वरना ऐसा ना हो कि चिट्ठी आती रहे जाती रहे और आपका परियोजना कार्य लटक जाए।